ओए चलो नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। मोंटी हमको देख के और कोई भाग जाता है। चलो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। बेसिकली आज आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा इस चैनल पे। इस चैनल पे मेरा पहला ब्लॉग जा रहा है। और कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैं घर में अकेली हूँ, तो आई वॉज लाइक बोर होने से बढ़िया मैं ब्लॉगिंग ही करूँ। अच्छा, सब लोग कहाँ गए हैं? तो मेरे नाना, उनकी डेथ हो गई है तो उनकी आज तेल भी है। दैट्स व्हाई मम्मा पापा भाई सब गए हुए हैं। पापा तो अभी जस्ट निकले हैं और मम्मी भाई 2 दिन पहले चले गए थे। मेरा भी बहुत ज्यादा मन था जाने का, बट ये जो एक मैंने डॉगी पाल रखा है उसकी वजह से मैं कहीं नहीं जाती हूँ। होता है ऑल्दो मेरे को उतना पसंद भी नहीं है कहीं जाना, बट इसमें मेरा मन था। पापा भाई आ जाएंगे, शायद मम्मी रुकेंगी, वो मंडे को आएंगे। मैं सुबह का उठी हूँ, अभी बज रहे हैं 10 और मैं 8 बजे का उठी हूँ। पापा को मैंने ब्रेकफास्ट बना के दिया, जिसमें मैंने कोहड़े की सब्जी, रोटी और कर्ड उनको दिया है। मैंने सुबह से जल्दी जल्दी उठ के वो किया सारा काम, और सुबह उठते मेरे से काम होता नहीं है, बट मम्मी नहीं है तो करना पड़ेगा। बहुत महीने बाद मैं ऐसा डेली ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और इस चैनल पर तो मेरा ये पहला ब्लॉग है। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा। और इसमें ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग आपको दिखने वाला नहीं है क्योंकि अकेली हूँ और कोई भी नहीं है, तो ऑब्वियसली बोरिंग सा थोड़ा मोड़ा रहेगा। बट मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा मोड़ा इंटरेस्टिंग इस ब्लॉग को बना पाऊँ। और पापा आ जाएंगे रात में, बट दिन भर मेरे को 9:30 बजे तक अकेले ही रहना है। तो डर से बढ़िया कि मैं आप लोग के से थोड़ा बात करूंगी तो मेरे को डर नहीं लगेगा। दिन भर में तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा रात में ही प्रॉब्लम होती है। तो अभी मेरे को भूख लग रहा है, पापा निकल गए हैं, अब मेरे को भूख लग रहा है क्योंकि अभी बज रहा है 10 और मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। चाय बनाना है क्योंकि बस सुबह से मैं ब्रश ही हूँ और पानी पी के चलेंगे, कुछ चाय बनाएंगे और देखेंगे क्या है खाने को, क्योंकि अभी मैं इसे रोटी सब्जी तो नहीं खाएगा, तो देखेंगे दोपहर में उसको खाएंगे। अभी ब्रेड वगैरह अगर होगा तो मैं टोस्ट कर लूँ। ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लूँ। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं हम। तो गाइस, बेसिकली घर में आज हम दोनों हैं, छोना राजा मेरे पोना राजा। इसकी वजह से मैं नहीं जा पाती, मतलब इसको हम लोग अकेले कभी नहीं छोड़ते हैं घर में, कि मतलब हम लोग 4-5 घंटे के लिए भी इससे कभी अकेले नहीं छोड़े। गाँव जाते थे तो हम लोग लेके जाते थे, और या तो फिर मैं रुकती हूँ, तो फिर भाई रुकता है, तो फिर पापा रुकते हैं। हाँ, मम्मी सेक्रीफाइस नहीं करती कहीं, मम्मी को जाना रहता है।
तो आज मैं रुकी हूँ क्योंकि वहाँ पे जाना 3 लोग का जरूरी था, उतना मेरा काम नहीं था, जैसे मैं नहीं गई। तो चलिए सबसे पहले चल के चाय बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है और उसके साथ मैं सोच रही हूँ कि ये थोड़े मोड़े कुछ ब्रेड बचे हुए हैं भगवान की दया से, तो यही मैं टोस्ट करके खा ले रही हूँ ये ब्रेड। तो चलिए उससे पहले मैं ब्रेड को सेकना पड़ेगा। अगर बटर नहीं होता तो अपना ब्रेड मैं देसी घी में सेक लेती हूँ और बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप लोग खाए होगे तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना, मस्त लगता है। सो फ्रेंड, दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट एंड मैंने ब्रेड को टोस्ट करके देसी घी में एंड ऊपर से मैंने ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया है और इट टेस्ट यम। अब मैं फटाफट से आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलती हूँ क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा तेज लगा है मेरे को, लिटरली बहुत ज़्यादा। यहाँ पे गाइस मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और अब मैं बचा कुचा काम कंप्लीट करूँगी और फिर जल्दी फिर मैं लग जाऊँगी वीडियो शूट करने के लिए, बैठ जाऊँगी। मैं पूरे दिन ऐसे कट जाएगा ना फालतू बैठे बैठे क्या ही करूँगी मैं। तो और मेरे को किचन साफ करना है, 2-3 बर्तन है वो धोने हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपको। ठीक है, तभी थोड़ा सा मैं मोबाइल चलाऊँगी, बेसिकली फोन मैंने सुबह से नहीं देखा है। आधे घंटे तक चलाऊँगी, उसके बाद काम वगैरह करके वीडियो शूट करने बैठूँगी। चलिए मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी बज गया है शाम के 4, मतलब मुझे शूट करते करते लगभग 4 होने ही वाले हैं और अभी जाके मैं खाली हुई हूँ और कुछ भी अभी काम नहीं हुआ, सारा किचन का काम भी पड़ा है। अभी मैं सुबह से कुछ खाई नहीं हूँ, बस वही 3 ब्रेड खा के शाम के 4 बज गए हैं। अब मैं जल्दी से समेटूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वाला मेस क्रिएट हो गया है, लाइक एक वीडियो शूट करने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद होती है, तो वही सब चीज़ बस चल रहा है। अभी आपको दिखाती हूँ कितना, लाइक लुक एट द मेस यू गाइस। तो अभी मेरे को ये समेटना है पूरा और ये देखो ना मेरा ट्राइपॉड टूट गया, पता नहीं कैसे, बट यहाँ पे मैं ये सही कर रही थी और यहाँ से ये टूट गया। अरे सॉरी, रिंग लाइट ट्राइपॉड बोल रही हूँ मैं, ये मेरा टूट गया है। बट स्टिल अभी देखेंगे इसका क्या करना है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है पकवान। ठीक है, अभी इसको फेविक्विक से ना मेरे को चिपकाना पड़ेगा, अभी भाई से बोलेंगे तो वो और गुस्साएगा, बट ठीक है। यहाँ पे ये सारा मेस पड़ा है, मेरे को इसको क्लीन करना है फटाफट से। और ये देखो मेरी जूती यहाँ पड़ी हुई है, इसी तरह मैं वीडियो बनाती हूँ इस, क्या करूँ। ठीक है, अभी फटाफट अभी मेकअप भी उतारेंगे क्योंकि पूरा फेस पे मेकअप लगा हुआ है और अभी नहाई भी नहीं हूँ मैं, देख लो यार। मतलब अच्छा, मैं वीडियो शूट करने के बाद इसलिए नहाती हूँ क्योंकि फिर से मेकअप वगैरह लगाना होता है ना, तो जैसे मेरा नहाने का मन नहीं करता, सोचती हूँ कि वीडियो बना ले फिर इकट्ठे नहाऊंगी। तो बस अब मैं फटाफट से नहाऊंगी, नहा धो के फिर आपसे मिलती हूँ, है ना। दिन भर देखो मैंने कुछ ब्लॉगिंग की, मतलब इसी में पूरा टाइम चला गया भाई, मैंने 2-3 वीडियो शूट किए, 4-5 घंटे लग गए। तो ठीक है, फिर फटाफट से नहाते उसके बाद देखेंगे क्या खाएंगे, मैं भूख भी लगा है। सो या आई एम वेरी हंग्री राइट नाउ, बट बिफोर आई क्लीन दिस मेस, माय गॉड, मेरे को तो देख के हार्ट अटैक आता है। बट चलो पहले इसको क्लीन करते हैं फिर मिलते हैं। ये इनका देखिए गाइस, जब तक मैंने वीडियो शूट किया ये आराम से सोया है, अभी उठ गया है क्योंकि इसको घूमना है, बाहर जाके घूमना है। यहाँ पे देखिए आप, मेरा सारा चीज़ मैं क्लीन कर चुकी हूँ जो भी मैंने फैलाया था। और या अब मैं फटाफट से अपना मेकअप उतारूंगी, उसके बाद किचन में भी आप देख सकते हो कुछ थोड़े मोटे बर्तन पड़े हुए हैं धोने को, वो धोऊंगी। ये देखो सब्जी पड़ा हुआ है, मैं पराठा या फिर रोटी वगैरह सेक के पहले कुछ खाऊंगी क्योंकि भूख बहुत तेज लग रहा है। बट खाने से पहले मैं अपना मेकअप रिमूव करूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है मेरा मेकअप। बट आज का मेकअप मेरा बहुत सुंदर टर्न आउट हुआ था एज यू कैन सी। तो मैं मेकअप जल्दी से रिमूव करूंगी क्योंकि मैं जैसे ही काम खत्म होता है ना, आई विल मेक श्योर कि मैं फटाफट से अपना मेकअप क्लीन कर दूं ताकि पिंपल्स वगैरह ना आए। सो गाइज, मैंने अपना मेकअप रिमूव कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने। सो गाइज, मैं लंच वगैरह करके आराम से सो गई थी 1 घंटे के लिए, फिर अभी उठ रही हूँ, अभी बज रहा है कुछ 6:30 बजने जा रहा है, तो मेरे को दिया जलाना है मंदिर पे, शाम को जलाते हैं हम लोग, तो बस वही जलाने जा रही हूँ। और सोच रही हूँ कि AC बंद कर दूँ क्योंकि पूरे दिन से चल रहा है,
भाई बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, तो दिन से क्या मैंने 1 बजे ऑन किया था, बट स्टिल अब कोई तो ऐसा बाहर बैठूंगी तो कोई मतलब नहीं है एसी ऑन करने का, तो मैं ऑफ कर दे रही हूँ। एक तो जब तक कंप्रेसर बंद नहीं हो जाता तब तक वेट करना होता है, क्योंकि नहीं बंद करती एसी ना जब तक कंप्रेसर नहीं बंद हो गया। सो यहाँ पे बंद हो गया एसी, अब चलते हैं बाहर, दिया वगैरह जलाएंगे क्योंकि 6:30 बजने वाला है, बोल देते हैं। दिन में पापा ना ऐसे कपड़ा लगा देते हैं कोई, ताकि धूप वगैरह अंदर ना आए, बट अभी हम इसे खोल देते हैं क्योंकि शाम हो गया है। और हाँ गाइस, मेरे को भी पूरा किचन वगैरह भी साफ करना है, इतने बर्तन मेरे को साफ करने, मैं खा पी के सो गई थी, अभी हम साफ करेंगे, किचन भी साफ करना है। देखो गेट खुलते ही भागेगा पट्टे से। मोंटी आओ, आओ अंदर आओ। अच्छा, कोई नहीं, हम चलते हैं अभी दिया जला लेते हैं, क्योंकि दिया जब तक नहीं जलाएंगे तब तक किसी भी रूम की लाइट नहीं ऑन होगी। ये है मौसम, बहुत सुंदर वाला मौसम हुआ पड़ा है। वैसे पेपर में रोज़ तो देता है कि, कल न्यूज़पेपर में दिया था कि 5, 4 और 5 को आंधी पानी बारिश वगैरह हो सकती है, फिर आज दिया था कि 11 तारीख को हो सकता है, आज भी नहीं हुआ, स्टिल देखते हैं कब होता है। तो चलिए फिर मैं जल्दी से भगवान जी के पास दिया जला देती हूँ। सारे रूम की लाइट भी, और वो ऊपर चला गया है भोपाल। फिर मैं कर्टन खींच देती हूँ क्योंकि शाम हो गया है, और इधर वाला से कर देती हूँ ताकि इसमें से हवा आए। जितना भी करो लेकिन पानी पीना मत भूलो, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी में आपको सिर्फ सिर्फ पानी ही बचा सकता है। तो मेरे को तो हर एक काम करने के बाद मेरे को प्यास लग जाता है, और मैं पानी ना बैठ के पीना पसंद करती हूँ, सारा काम कर लूँगी फिर बैठ के आराम से। और ये भी खाना खा चुका है ना मम्मी, मम्मी से हाय, एटीट्यूड में रहता है। अब क्यों आ रहे हो, पहले बोलो हाय, पहले बोलो हाय एवरीवन, बोलो हाय एवरीवन, से हाय टू एवरीवन। चाट देता है तो भाई। अभी बज रहे हैं गाइस 7:10, और पापा का भी फोन आया था, वो बोले थे कि 8 बजे चलेंगे और 9 बजे तक घर पे आ जाएंगे, तो देखिए 9 बजे तक आ जाते हैं कि नहीं। अब रात हो रही है, धीरे धीरे मेरे को डर लगेगा, इस वजह से मैंने चारों तरफ लाइट जलाया रखा है ताकि मेरे को डर ना लगे, और मेरे साथ एक ये है ही, इसकी वजह से मैं कम डरती हूँ क्योंकि मॉन्टी है ना मेरे साथ, दैट्स व्हाई। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे, थोड़ा सा छत पे घूमूंगी, उसके बाद आऊँगी नीचे, और थोड़ा सा ये भी घूम लेगा क्योंकि इसको छत पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे ही गेट खुलता है तैसे ही फटाफट भाग जाता है छत पे,
अभी मेरे को सारा वीडियो भी एडिट करना है जो भी मैंने बनाया है आज, सो उसको भी मैं बैठूंगी एडिटिंग करने। मेरा हाथ दुखने लगता है पकड़े पकड़े खाने से, तो चलिए चलते हैं चलते। ओके, मैं पहले पंखा लाइट एटलीस्ट जब तक मैं नहीं हूँ तब तक के लिए बंद कर देते हैं, उसके बाद आऊँगी तो जलाऊंगी। ओके लेट्स गो। चलो आंटी छत पे चल रहे हैं, छत पे चल रहे हैं। अकेली करती हूँ गाइस, तो लॉक करके रखती हूँ, सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। देखो खोलते ही सबसे पहले भागे। बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका है, आई डोंट थिंक सो कि आपको मेरा चेहरा भी दिखा, बस थोड़ा सा टहलेंगे उसके बाद चले नीचे। सो गाइस पापा और भाई आ चुके हैं, अभी बज रहे हैं 9:30 क्या 10 बजने वाले हैं, और मेरे को भूख बहुत तेज लगा है, मैं जा रही हूँ फटाफट से खाना खाने। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, वेल जरा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा फॉर द नोटिफिकेशन। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, और कमेंट करके बताइएगा आपको और कैसे वीडियोस देखने हैं, मैं उसी तरह लाऊंगी। चलिए सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।